नमस्कार दोस्तों, मोची नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो पंकज राणा का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। उन्होंने पूछा था कि टैंकर के बाद सबसे अच्छा शिप कौन सा रहेगा जॉइनिंग के लिए, और आईटीएफ कंपनी को कितना एक्सपीरियंस चाहिए जॉइनिंग के लिए, सबसे ज़्यादा जॉब कौन सी शिप में है। मतलब उनका क्वेश्चन यही है सबसे घुमा फिरा के, टैंकर के बाद उनको कौन सा शिप जॉइनिंग के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी और किस शिप में सबसे ज़्यादा जॉब रहती है। मैं आप लोग क्लियर कर दूं, देखो ये जितना भी क्वेश्चन है इससे पहले भी मैंने कई बार बता चुका है ये सब के बारे में। अगर आपको टैंकर शिप्स मिलता है, पहली बार ही आपने टैंकर शिप पा लिया, अच्छे जीआरटी का पा लिया, 10,000 जीआरटी के ऊपर का मार लिया, तो आपको बेफिक्र हो जाओ कि आपको अदर वेसल्स मिलेंगे। आप अगर आपने टैंकर एक्सपीरियंस बना लिया तो आपको टैंकर जो भी टैंकर कंपनियां में उसमें आप रिज्यूम डालो। अगर आपने आरपीएसएल कंपनी में सेल किया तो आप कोई आईटीएफ कंपनी में डालते जाओ रिज्यूम। अगर बाय चांस आपका आईटीएफ कंपनी में नहीं होता है तो आरपीएसएल कंपनी ऐसी बहुत हैं जो कि दुबई में वेसल्स चलती हैं, सिंगापुर में वेसल्स चलती हैं, जो कि टैंकर वेसल्स हैं, जो कि मतलब आप वीएलसीसी पे जा सकते हो, स्वेज मैक्स पे जा सकते हो, फ्रेमैक्स पे जा सकते हो, तो कई टाइप के वेसल्स मिल जाएंगे आरपीएसएल कंपनियों के पास, लेकिन सैलरी कम होती है वो सब कंपनियों के पास। अगर आपको पहली बार आईटीएफ कंपनी मिल गई तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कंपनी। जैसे आपने कोई बड़ी कंपनी फ्लीट हो गया, जो भी बड़ी कंपनी में आपको मिल गई फर्स्ट टाइम एज ए टैंकर वेसल्स के साथ वो कंपनी आपको मिल रही है, तो उसके बाद आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू उसी कंपनी में जाओगे। अगर आपने साइन ऑफ करके आया तो फिर दोबारा आपका जॉइनिंग उसी कंपनी में रहेगा। जो भी आपका ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बेसिक यही है कि अगर पहली बार आपको आईटीएफ कंपनी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी है कंटिन्यूस सेल रहेगा। एज जो भी टैंकर एक्सपीरियंस मार लिया तो आपको टैंकर में ही मिलेगा। अगर आपने अदर वेसल्स मारा, बल्कि मारा, रोरो मारा, जनरल मारा, उस टाइप के वेसल्स में मिलेगा। तो ये हिसाब है, जो भी आपका क्वेश्चन था पंकज, यही हिसाब है। जो भी वेसल्स आप मार लेते हो इन फ्यूचर, स्टार्टिंग में मार लिया तो आपको उसी टाइप के वेसल्स मिलेंगे। जो भी वेसल समझ लो आप, कार्गो, बल्कि, जनरल, जो भी अदर वेसल्स हैं, जिस टाइप के आपने स्टार्टिंग कर दी उस टाइप को आपको वेसल्स मिलेंगे। अब बाय लक अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, आरपीएसएल कंपनी आपने मार लिए फर्स्ट टाइम, कोई भी बल्कि मार ली, उसके बाद आप कोई अच्छी कंपनी को टैंकर में दिला रहा है, तो आपको ऐसे मिल सकता है। लेकिन पहले ही बार में आपको आईटीएफ कंपनी में जो भी वेसल्स मिल गया, बल्कि मिल गया, जो भी आपको अलॉट हो गया, तो आपको उस कंपनी में वही टाइप के वेसल्स पे सेल करना होगा। तो ये सिंपल सा आंसर था मेरा। तो ज़्यादा बड़ी नहीं करा वीडियो यार, जो भी हो कमेंट करना, पंकज का क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।